तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की कि वीज़ा फॉर्मेलिटीज क्या क्या होंगी और किस तरीके से वीज़ा हमें अप्लाई करना चाहिए अगर हम लैंड बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं। वीडियो डालने के बाद काफ़ी लोगों का रिस्पांस आया, बहुत अच्छा वीडियो है, थैंक यू सो मच, आप लोगों को पसंद आया। अजू बाबा पूछते हैं कि भाई साहब डमी टिकट कैसे बनानी है, वो भी बता दीजिए। ये काफ़ी अच्छा सवाल है अजू जी। फंड्स एंड पाइंस भी इसी रेफरेंस में हमारे पास आए थे कि लैंड बॉर्डर्स कैसे करना है, उस पर आप वीडियो बनाइए। काफ़ी आसान हो गया है आज की डेट में डमी टिकट्स बनाना, और कैसे बनाना है बिना समय गवाए हम सीधा चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, ओपन करते हैं ये विंडो। तो हमने लॉग इन कर लिया अपने ब्राउजर पे, डालिए keyflyght.io। जैसे ही आप डालते हैं साइट खुलती है, वेलकम टू द वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। राइट साइड में ऊपर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लाइट टिकट जनरेटर, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल वीजा सर्विस और ब्लॉग पोस्ट। वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल कीजिए। We reserve flight tickets for proven and trusted airline companies like Lufthansa, Virgin, Swiss, Emirates, Air Canada. What we offer is flight ticket sample generator. ये sample generator आप लोगों को चाहिए, यहाँ पर जाइए क्लिक कीजिए। अच्छा, ये verifiable tickets भी आपको provide करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से अपना सारा कुछ डाल के रखा हुआ है, जैसा डी पार्ट का मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पर ऑटो सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप डालिए डिपार्टिंग एयरपोर्ट में बैंकॉक का कोई डाल दीजिए, थाईलैंड का कोई भी डाल दीजिए। जैसे मैं जो करता हूँ वो बेसिकली बैंकॉक का डालता हूँ। अराइवल एयरपोर्ट आप नेबरिंग कंट्रीज में किसी का भी डाल सकते हैं, आप चाहे वो कंबोडिया का डाल दीजिए, चाहे वो लाओ का डाल दीजिए। डेट, जिस डेट में एंट्री करता हूँ उससे तकरीबन, चूँकि जो थाई वीज़ा है वो 15 दिन का है, तो मैं तकरीबन 10 से 12 दिन का गैप रखता हूँ और डालता हूँ डिपार्टिंग डेट। अगर मैं आज एंटर कर रहा हूँ, आज 1 तारीख है, तो मैं 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, ऐसे 15 दिन से पहले का मैं इसमें डेट डाल दूंगा। पैसेंजर नेम में अपना नाम डाल दीजिए, आज अगर कोई पैसेंजर हैं तो उनका भी डाल दीजिए। पीएनआर, यहाँ पर एक सैम्पल जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो लिखा रहता है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 17ZHE0। अपना ईमेल आईडी डाला है, चेक नहीं करना चाहता हूँ, मैं चेक कीजिए। जैसे ही आप सर्च डालते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं वेरियस फ्लाइट्स के, अलग अलग फ्लाइट्स के आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। थाई एयर एशिया ये जा रही है, एक घंटे का टाइम है, यहाँ पर प्राइसेस वगैरह भी हैं। जनरेट फॉर फ्री कीजिए और इसको, इसमें आपको वेरीफाइबल टिकट का भी ऑप्शन आता है, चाहें तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $14.90 है, तकरीबन $15। मेरे को ज़रूरत नहीं है, खैर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस पर भी जा सकते हैं। तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब ये जो आ गई मेरे पास, ये मेरे पास पूरी टिकट आ गई जिसमें मेरा नाम है, प्रिपेयर्ड फॉर रिजर्वेशन कोड है, एयरलाइन कोड है, पार्शियल पेमेंट, और ये नीचे दिखा रहा है बुकिंग स्टेटस कन्फर्म्ड। तो एक बार कंफर्म हो गया, यहाँ पर डालिए डाउनलोड पीडीएफ, वेट कीजिए, ये आपको दूसरी इस पर लेके जाएगा। यहाँ पर आपकी टिकट जनरेट हो चुकी है, यहाँ पर जाइए डाउनलोड कीजिए और ये आपके पास, यहाँ पर डाल दीजिए। मैं नाम भी क्या डालें, थाईलैंड एग्जिट, और सेव कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं, ओपन करते हैं, वाला हमारी टिकट तैयार, और ये सारा काम सिर्फ 5 मिनट में। क्विक डिस्क्लेमर, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और दूसरा ये जो डमी टिकट है ये कंप्लीटली फेक है भाई साहब, तो ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आप समझ रहे हैं ना। कुछ भी कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जैसे मैंने किया रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये बस इंफॉर्मेशन थी जो मेरे काम में आई, तरीका मैंने आपको बता दिया, जुगाड़। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को औरों के साथ, लेट देयर बी लाइट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।
यहाँ से जो नज़ारा है भाई साहब खतरनाक है। लोकेशन बड़ी प्यारी है, पीछे बैम्बू, ऐसा लगता है जैसे रिजॉर्ट में बैठा हुआ है। ये मैं अपने नए घर पर इधर हमारा बाथरूम है, वो हमारा रूम है, अंदर थोड़ा अंधेरा पड़ा हुआ है, अभी थोड़ा साफ सफाई नहीं है। कैसा लगा हमारा नया आशियाना प्लीज कमेंट्स में हमें नीचे बताना, और हम आपसे मिलते हैं एक नए और शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद वीडियो के साथ।